आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई का वीज़ा कैसे चेक करेंगे, असली है या नकली, वो भी मोबाइल फ़ोन से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो एजेंट है वो डुप्लीकेट वीज़ा पकड़ा देता है, और जब हम उसको चेक नहीं करते हैं और जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें जो वीज़ा दिए होता है वो डुप्लीकेट होता है, और उसको हम जो है घर पर रहते हुए उसको हम मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से चेक भी नहीं कर पाते हैं कि वीज़ा असली है या नकली। बस हम कूदते रहते हैं कि मेरा वीज़ा आ गया, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, बस यही चक्कर में रहते हैं। तो भैया ये सब तो आपका जेन्यून है, आप खुश होइए, बट आप जो है उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपको जो वीज़ा दिया है वो असली है या नकली। बस आपको जो है लंबा लंबा और बड़ा बड़ा मोबाइल तो चलाते ही होंगे, तो आपको क्या करना है, आप जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका से आप बहुत ही आसानी से आप जो है दुबई का वीज़ा मोबाइल फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं कि आपको जो वीज़ा है वो फेक है, नकली है या असली है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप दुबई का वीज़ा चेक करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, कि आपका वीज़ा जो है वो असली है या नकली है। तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से दुबई का वीज़ा चेक किया जाता है, कि दुबई का वीज़ा जो है वो असली है या नकली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास जो वीज़ा है दुबई का वो असली है या नकली है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र को इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको डाल देना है UAE वीज़ा चेक। यहाँ पर देखिए कि मैं जैसे ही डाला यहाँ पर UAE वीज़ा चेक, तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि UAE वीज़ा चेक बाय पासपोर्ट नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि चेक UAE वीज़ा स्टेटस है, आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर और देखने को मिल रहा होगा, विजिट दिस लिंक, और यहाँ पे आपको जो है लिंक वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आप जो है इसको अरबिक में या हिंदी में आप इसको जो पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंग्लिश में ही चाहते हैं, जो इंग्लिश में ही रहे, तो आपको ये वाला को कुछ नहीं करना है, यहाँ से कट के हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको फाइल नंबर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और रेसिडेंसी के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम पासपोर्ट नंबर के द्वारा बताऊँगा, तो यहाँ पासपोर्ट वाले पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे वीज़ा के द्वारा भी बताऊँगा तो मैं वीज़ा वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, तो जो भी आपका पासपोर्ट है वो आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे जैसे मैं अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इस तरीके से आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है। एक्सपायर कब है आपका पासपोर्ट, वो आपका जो है एक्सपायर डेट इसमें से चूज कर लेना है, ईयर मंथ, और आप यहाँ इस तरीके से डेट चूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पे जो है आपका नेशनलिटी मतलब कौन सा देश से है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरिया, जापान, कहाँ से है तो वो आपको चूज कर लेना। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ इंडिया वाले पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम नॉट ए रोबोट, क्या आप रोबोट नहीं है, अगर नहीं है तो इस तरीके से आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको राइट टिक लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितना है ग्रीन है वो आपको जो पूरा एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रीन जो लग चुका है या थोड़ा थोड़ा मार्का दिखाई दे रहा होगा, ये समझिए आपका ओके है। अब क्या करना है, आपका जो है UAE का वीज़ा जो है वो फेक है, नकली है या असली है, वो आप बहुत ही आसानी से ये पासपोर्ट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सर्च वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपको जो है पूरा यहाँ पे ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर रेस्पोंडर और सर्विस बेनिफिशरी, यहाँ पर फाइल नंबर आ गया, देख रहे हैं इमरात अनफाइल नंबर आ गया, यहाँ पे फाइल स्टेटस है, यहाँ पे एक्टिव फाइल इशू डेट आपको यहाँ पे आ चुका है, और वीज़ा वैलिडिटी डेट भी आपको यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपका वीज़ा असली है या नकली है,
दुबई का, यूएई का, वो आप बहुत ही आसानी से बस आपको पासपोर्ट नंबर डालिएगा और बहुत ही इजी तरीका से आप जो है मोबाइल से ही घर बैठे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको जो वीज़ा है वो दुबई का जो फेक है या आपका सही है। सो बहुत ही सिंपल और ये आसान ट्रिक है आपको वीज़ा चेक करने का घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा, क्योंकि मैं पर डे नया नया वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करता ही रहता हूँ।